प्रिय विद्यार्थियों, मैं रेखा वैष्णव आज आपको पत्र के बारे में पढ़ाऊंगी। पत्रों का क्या महत्व होता है। प्रश्न उठता है कि लोग पत्र क्यों लिखते हैं। जब कोई व्यक्ति हमारे सामने होता है तब तो हम बातचीत के द्वारा अपने मन की बात कह सकते हैं और उसके मन की सुन सकते हैं, परंतु जब कोई दूर होता है और उस तक हम अपने मन की बात पहुंचाना चाहते हैं तो हमें पत्रों का सहारा लेना पड़ता है। किस अपने मन की बातों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम पत्रों का सहारा लेते हैं। पहले जब मोबाइल फोन्स नहीं थे तो हम क्या करते थे, पत्रों के द्वारा अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते थे। इन पत्रों के माध्यम से लोग अपने मित्रों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों से संपर्क बनाए रखते हैं तो दूसरी और तरह तरह के कार्य करने कराने के लिए विभिन्न कार्यालयों में, बैंकों में, विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों आदि में तरह तरह के पत्र नित्य लिखे जाते हैं। नित्य मतलब रोज। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि पत्र वे साधन हैं जो दूर बैठे लोगों के बीच संपर्क बनाए रखने का काम करते हैं। पत्र हम सगे संबंधियों के, रिश्तेदारों के अलावा बहुत सारे कार्यालयों में भी लिखते हैं। बैंकों में हम एप्लीकेशन लिखते हैं। जब हमें कभी अकाउंट मतलब अपना एटीएम बंद करवाना होता है, कुछ भी, विद्यालय में जब हम बीमार हो जाते हैं तो प्रिंसिपल को प्रार्थना पत्र लिखते हैं, विश्वविद्यालयों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं। तो ये पत्र हमारे नित्य लिखे जाते हैं, तरह तरह के पत्र। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि पत्र वे साधन हैं जो दूर बैठे लोगों के बीच संपर्क बनाए रखने का कार्य करते हैं। पत्र लेखन एक कला के रूप में, कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक, एकांकी, निबंध आदि की तरह पत्र लिखना भी एक कला है। जो पत्र जितना अधिक रोचक और प्रभावशाली होगा वह पाठक पर उतना ही गहरा प्रभाव डालेगा। पत्रों को प्रभावशाली और रोचक बनाकर हम अपना काम भी आसानी से सिद्ध करवा सकते हैं। अतः पत्र लेखन की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती है। पत्र की भाषा शुद्ध और सरल होनी चाहिए। जो आप पत्र लेखन लिखते हैं तो उसकी जो भाषा है वो शुद्ध होनी चाहिए, ठीक है, और सरल होनी चाहिए। सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि सामने वाला क्या लिख रहा है। पत्र लेखक जो कुछ भी कहना चाहता है वो पाठक को आसानी से समझ में आना चाहिए। मतलब जो हम पत्र लेखन की भाषा लिखेंगे वो सरल इसलिए लिखेंगे ताकि सामने वाले को जो आपने लिखा है वो आसानी से समझ में आ सके। पत्र का अभिप्राय क्या है, ये बात पत्र से स्पष्ट पता लगनी चाहिए। मतलब पत्र किस लिए लिखा जा रहा है, क्यों लिखा जा रहा है, ये पत्र से पता हमें लगनी चाहिए कि पत्र क्यों लिखा गया है और पत्र में क्या लिखा गया है वो हमें समझ में आना चाहिए। पत्र बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, जो भी बात हो संक्षेप में कह देनी चाहिए, ठीक है। मतलब पत्र को शॉर्ट लिखना चाहिए, छोटा लिखना चाहिए, ज़्यादा छोटा भी नहीं और ज़्यादा बड़ा भी नहीं। पत्र के प्रकार, पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक, ठीक है। पत्र के कितने प्रकार होते हैं, दो, अनौपचारिक और औपचारिक। अब औपचारिक और अनौपचारिक पत्र कौन कौन से होते हैं। अनौपचारिक पत्र परिचित व्यक्तियों या सगे संबंधियों आदि को जो पत्र भेजे जाते हैं उसे हम अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं। जो हम अपने रिलेटिव्स को लिख रहे हैं, सगे संबंधियों को लिख रहे हैं, वो पत्र कौन से पत्र कहलाएंगे, अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्र। औपचारिक पत्र जिन लोगों से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता उन लोगों को जो पत्र लिखे जाते हैं वे औपचारिक पत्र होते हैं। इनमें कई औपचारिक कथन या सूचना आदि होती है। इसके अंतर्गत तीन तरह के पत्र आते हैं। सबसे पहले आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र, ये हम अपने सगे संबंधियों को नहीं लिखते, ठीक है। अब आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र कौन से हो गए, जो हम प्रधानाचार्य मतलब प्रिंसिपल आदि को लिखे जाने वाले पत्र। व्यावसायिक पत्र,
मतलब जो अपने बिजनेस से रिलेटेड हैं, व्यापारियों और दुकानदारों आदि को लिखे जाने वाले पत्र तथा सरकारी पत्र, सरकारी कर्मचारी या विभाग द्वारा किसी अन्य कर्मचारियों या विभाग को लिखे जाने वाले पत्र वो आपके औपचारिक पत्र कहलाते हैं। जैसे कि आपके मोहल्ले में सफाई के लिए आपको पत्र लिखना है कि आपका मोहल्ले में बहुत गंदगी रहती, सफाई नित्य प्रतिदिन नहीं होती, तो आप स्वास्थ्य नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखेंगे, ठीक है। तो स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखेंगे आप, ठीक है। तो ये पत्र आप अपने रिश्तेदारों को नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए कौन से पत्र कहलाएंगे? औपचारिक पत्र। जो अनौपचारिक पत्र है वो आप सगे संबंधियों को लिख रहे हैं, रिश्तेदारों को लिख रहे हैं, और जो औपचारिक पत्र है इनका व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है, ठीक है। तो पत्र कितने प्रकार के हुए? पत्र दो प्रकार के, अनौपचारिक और औपचारिक पत्र। पत्र के अंग कौन कौन से हैं? किसी पत्र के सामान्यतः निम्नलिखित अंग होते हैं, कौन कौन से? पते या तिथि का निर्देश, पत्र के सबसे ऊपरी बाएं किनारे पर पत्र लिखने वाले का पता तथा उसके ठीक नीचे पत्र लिखने वाले की तिथि लिखी जाती है। पत्र के सबसे ऊपर बाईं तरफ आपको पत्र लिखने वाले का पता, मतलब जो पत्र लिख रहा है उसका पता आएगा, तथा उसके ठीक नीचे आप क्या लिखेंगे? डेट या दिनांक लिखेंगे। संबोधन फिर क्या है? पत्र के शुरू में बाई ओर संबोधन शब्द लिखे जाते हैं, ठीक है। कुछ संबोधनों के उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं, जैसे अनौपचारिक व्यक्तिगत पत्र। जब आप अनौपचारिक पत्र लिखते हैं या व्यक्तिगत पत्र लिखते हैं तो अपने बड़ों के लिए क्या संबोधन लिखते हैं? श्रद्धेय, आदरणीय, पूज्य, पूजनीय, मान्यवर। जैसे आप अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो आदरणीय पिताजी या पूज्य पिताजी, ठीक है। अपने बराबर वालों के लिए प्रिय, बंधु, प्रियवर, मित्रवर, बंधुवर आदि। जैसे आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र, ठीक है। अपने से छोटों के लिए प्रिय और उसका नाम आयुष्मान, चिरंजीव आदि। और औपचारिक पत्रों के संबोधन, प्रिय महोदय, महोदया, महोदय आदि, ठीक है। अभिवादन, जैसे संबोधन होता है वैसा ही अभिवादन सूचक शब्द लिखा जाता है, जैसे प्रणाम, नमस्कार, चरण स्पर्श, आशीर्वाद, शुभाशीष, ठीक है। ये हम अभिवादन के लिए लिखते हैं। पत्र का कलेवर, मतलब जो आप पत्र का बीच वाला भाग होता है, मतलब किस विषय में पत्र लिखा जा रहा है उससे संबंधित बातें आप वहाँ पर लिखेंगे। स्वनिर्देश या समापन निर्देश, जब आपका पत्र खत्म होने वाला होता है, जब पत्र समाप्त होने वाला होता है, तो आप कई तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे धन्यवाद, पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में, बच्चों को स्नेह, माता पिता को चरण स्पर्श, माता पिता को प्रणाम आदि, कई ऐसे शब्दों का आप प्रयोग करते हैं। पत्र का मूल विषय समाप्त हो जाने के बाद पत्र को समाप्त करने से पहले कुछ औपचारिक वाक्य, जैसे सधन्यवाद, पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में, बच्चों को स्नेह या माता पिता को चरण स्पर्श आदि लिखे जाते हैं। इसके बाद पत्र लेखक आपका आज्ञाकारी, विनीत, तुम्हारा अभिन्न मित्र, तुम्हारा शुभचिंतक आदि शब्दों का प्रयोग करता है। पत्र के एंड में, पत्र के लास्ट में हम लिखते हैं आपका आज्ञाकारी पुत्र, ठीक है, आपका अभिन्न मित्र, तुम्हारा शुभचिंतक, फिर अपना नाम लिख देते हैं। हस्ताक्षर, पत्र के अंत में पत्र लेखक हस्ताक्षर करता है तथा कोष्ठक में अपना नाम भी लिखता है, ठीक है। फिर पत्र के एंड में क्या करेगा? वो हस्ताक्षर करेगा, फिर कोष्ठक में ब्रैकेट में अपना नाम भी लिखता है। तो पत्र जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले पत्र के बाईं ओर हम सबसे पहले अपना एड्रेस लिखेंगे, अपना पता लिखेंगे, उसके नीचे हम लिखेंगे डेट, ठीक है। फिर संबोधन लिखेंगे, ठीक है, जैसे अपने से बड़ों के लिए लिख रहे हैं तो आदरणीय, जो भी आप पिताजी को लिख रहे हैं, चाचा जी को लिख रहे हैं, जो भी, ठीक है। अपने बराबरी वालों को लिख रहे हैं तो प्रिय, छोटों को लिख रहे हैं तो आयुष्मान या उसका नाम, जो भी है। इसके बाद आप अभिवादन लिखेंगे, जैसे चरण स्पर्श या प्रणाम। फिर
जिस विषय में बात की जा रही है, जिस विषय में पत्र लिखा जा रहा है, उसको आप पूरा लिखेंगे, उससे संबंधित बातें पूरी लिखेंगे। इसके बाद जब पत्र समाप्त हो चुका होता है, उसके बाद आप लिखेंगे धन्यवाद या पत्र उत्तर की प्रतीक्षा में, जो भी बच्चों को इसने माता पिता को प्रणाम। इसके बाद आप अपना नाम, आपका आज्ञाकारी बेटा, पुत्र, जिसके या मित्र को लिख रहे थे, तुम्हारा अभिन्न मित्र, ठीक है, तुम्हारा शुभ चिंतक, फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर नीचे सिग्नेचर और ब्रैकेट में अपने हस्ताक्षर लिखेंगे। तो आज हमने पत्रों के बारे में पढ़ा। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, ठीक है। अनौपचारिक पत्र जो होते हैं वो अपने सगे संबंधियों और रिलेटिव्स को, रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं, और जो औपचारिक पत्र होते हैं वो प्रधानाचार्य को, व्यापारियों को, दुकानदारों को, सरकारी कर्मचारी को, विभागों द्वारा लिखे जाते हैं, ठीक है। धन्यवाद।